चिल्लाइए मत, सब जाग जाएंगे। तुम ऐसा करोगी तो मैं, अब तुम जाओ, जाओ भी जाओ। अरे बहुत जरूरी काम। अब क्या काम है? आपको विश तो कर दिया, पर गिफ्ट का दिया? इतना बड़ा गिफ्ट तो दिया आज तक मुझे। बड़ा गिफ्ट दिया लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा, लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा मीठा सा गिफ्ट देना आपके पास। नहीं अभी तो नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं हूँ ना, आपके बात कीजिए। मेरी लाइफ में आपके बाद के हर पन्ने पर अपना और मेरा नाम लिख दीजिए। आने वाली हर शाम को और सुंदर बना दीजिए, हर रात को और एक्साइटिंग बना दीजिए। बहुत प्यारा था मैं कहूँगी। ये चोर की तरह आए घर में और मुझे डरा दिया और बस पिटने से रह गए, ये पिटते रह गए, बच गई है। और उन्होंने पकड़ लिया मुझे और फिर बातों ही बातों में मेरे करीब आए प्यार से और मुझे सरप्राइज कर दिया बिल्कुल प्रपोज करके। थोड़ा उल्लू भी बनाया, उन्हें लगा कि चोर देने वाला हूँ पर मैंने कुछ और ही दे दिया, उससे काफ़ी बेटर। हाँ, जो वो सोच भी नहीं सकती। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ध्रुव इस वक्त मुझे प्रपोज करेंगे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि ध्रुव ने मुझे प्रपोज किया। देखो ध्रुव ऐसा है, वो क्रिश 4 है, वो किसी चीज़ से डरता नहीं है, वो कहीं पे भी कभी भी आ सकता है। और साची जी के रूम में आने की तो उसको एंट्री है। हाँ, एक तो कभी भी आ जाता है। वो अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है और साची जी के रूम में घुस जाता है, ऐसी कनेक्शन है उसकी, तो वो कहीं पे भी कभी भी आ सकता है। अरे बर्थडे वाले दिन ही प्रपोज किया, यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। बर्थडे वाले दिन उन्होंने सरप्राइज पार्टी रखी वो तो अलग बात है, लेकिन प्रपोज भी बर्थडे वाले दिन ही किया, तो साची के लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। इतने सालों बाद उसके बर्थडे में उसे इतना, और ये गिफ्ट वो कभी नहीं भूलेगी। नहीं, और इस साल पहली बार उनका बर्थडे मनाया भी गया था, कभी मनाया भी नहीं गया था, कभी केक नहीं कटा था काफ़ी सालों से। तो ये काफ़ी एक क्या कहते हैं कि एक इनकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। प्यार तो प्यार होता है, प्यार तो हमेशा एक्साइटिंग होता है, हमेशा ही खुशी लाता है और साथ साथ बहुत सारी टेंशन भी ले आता है। आई एम श्योर अभी साथ साथ बहुत सारी टेंशन भी आने है। और मुझे लगता है कि जब भी कोई लड़की को वो लड़का प्रपोज करता है जिससे वो प्यार करती है तो वो स्पेशल होता ही है उस लड़की के लिए। जब कोई लड़का भी एक लड़की को प्रपोज करता है और वो हाँ कहती है तो वो भी स्पेशल होता है उसके लिए। तो एक प्रपोजल जो हाँ में बदले वो हमेशा खुशी देता है। हाँ, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग कहा था इनसे, पता नहीं आप, था, लेकिन बहुत अच्छा। अच्छा था। अच्छा, तो अगर साची जी कह रही हैं अच्छा है तो मैं बोल देता हूँ आप ट्राई करना अपनी गर्लफ्रेंड पर। मेरी आने वाली हर शाम को सुंदर कर दीजिए, हर रात को और एक्साइटिंग कर दीजिए, हर सुबह को खूबसूरत कर दीजिए और हर शाम को खामोश कर दीजिए। प्लीज़ मैरी, प्लीज़ मैरी, बोल दिया मैंने। गुड नाइट।